अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का तरीका देखेंगे और देखेंगे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कैसे पढ़ा जाता है और फिर उसे कैसे पॉइंट्स ले जाते हैं जो कि हम अपने पेपर्स में ऐड कर सकते हैं। अब जो आज का आर्टिकल है वो है चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब ये करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन गया, जो कि आपका 200 मार्क्स का पेपर है। तो ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे पॉइंट्स बनाना भी इंतहाई ज़रूरी है, राइट। तो हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हैं। रेफरिंग टू द जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज हिस्ट्री जियोग्राफी फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब है आप क्या किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रीज की हिस्ट्री जियोग्राफी और फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये थोड़ी सी डिटेल देंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी में हम सबसे पहले अपने नेबर्स को देखते हैं, जो कि हमारे नेबर्स में है इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, राइट। तो उसके प्रोस्पेक्ट से भी थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी की बात की जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं, विदाउट पुटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट यू मे नॉट इवन थिंक ऑफ हैविंग अ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ भी सिर्फ कंक्लूड कर दिया गया हर बात को कि जब तक आप अपने घर यानी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो ठीक नहीं होंगे, तब तक आप किसी से भी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। द क्वेश्चन इज हैविंग द पॉलिसी मेकर्स बीन फोकस्ड ऑन, सॉरी, द क्वेश्चन इज हैव द पॉलिसी मेकर्स बीन फोकस्ड ऑन हैविंग अ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, और डज इट ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड इट्स प्रियोरिटीज़। अब ये कह रहे हैं कि किस चीज़ पे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो डिपेंड कर रही है। या तो वो डिपेंड कर रही है कि जो गवर्नमेंट आ रही है उसी वक्त, जो एट ए टाइम जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आ रही है, वो अपनी प्रियोरिटीज़ जो है वो डिसाइड करके फॉरेन पॉलिसी बना रही है, या एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई जा रही है जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली एज इन द केस ऑफ डीलिंग विद इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस द अप्रोच ऑफ फॉरन पॉलिसी हैज ऑल्सो बीन ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट बाय मेकिंग स्टॉप गैप अरेंजमेंट, राइट। अब वो कह रहा है कि नहीं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है ना आपके पॉलिसी मेकर्स की, वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो हर्डल है हमारी इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी में। अच्छा, यहाँ से देखें आप, यहाँ से हिस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा आपने, ये इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप स्किप कर भी दें तो खैर है। अब यहाँ से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, राइट, हिस्ट्री में जो हुआ है, स्टार्टिंग विद द एक्सप्लोरेटरी फेज ड्यूरिंग 1947 से 1953 तक पाकिस्तान ट्राइड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। पाकिस्तान ने स्टार्ट में ट्राई किया कि वो अपने फ्रेंडली रिलेशन रखे। देन द कंट्री सॉ द वेस्ट अलाइनमेंट ऑफ सीटो एंड सेंटो, तब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग 1953 से 62 में। एंड आफ्टर हैविंग वॉर्स विद इंडिया फ्रॉम 1965 से 67, इट एक्सपीरियंस्ड बायलैटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट फ्रॉम 1972 से 79 तक। पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी इंडिया के साथ, जो कि 1965 और 71 की थी, तो उससे विड्रॉ कर लिया था। ये सब आप पाकिस्तान, अगर आपके फॉरेन पॉलिसी आ जाते हैं तो उस हिस्ट्री में ये सब आप रेफरेंस दे सकते हैं। द रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान मर्ड द ईयर्स फ्रॉम 1979 से 89 तक रशियन का जो इन्वेजन था अफगानिस्तान पे वो था, देयर बाय सीरियसली इम्पैक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। सर्टन इनकन्विंस आइडियाज ड्यूरिंग दैट पीरियड आर स्टिल हॉन्टिंग इस्लामाबाद। तो ये जो रशियन इन्वेजन थी अफगानिस्तान में, उसके इफेक्ट जो है ना वो स्टिल पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम 1990-2001 पाकिस्तान हैड टू फेस द इफेक्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा एंड सेंक्शन। फिर 1990 से 2001 तक जो कोल्ड वॉर, जब रशिया जो है वो, सोवियत यूनियन जो है वो डिस इंटीग्रेट हो गया था, और उसके बाद कोल्ड वॉर का जो एक पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसके उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या फेस किया है, कोल्ड वॉर के इफेक्ट और सैंक्शन, जिसमें 1998 में पाकिस्तान ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, उसके बाद यूएस की सैंक्शन लगी थी। तो वो सब, ये एक जो है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर इन 1998, क्रिएटिंग द मच डिजायर्ड बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया। आफ्टर 9/11 पाकिस्तान सॉ इटसेल्फ एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इन अमेरिकन वॉर ऑन टेरर। अगेन फॉरेन पॉलिसी वॉज सेक्रीफाइस एंड एट ऑल्टर द पर्सनल गेन्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि एक तो जब वो 1998 के जो अटामिक ब्लास्ट थे और उसके बाद जो 9/11 था, उन दोनों ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको बहुत हद तक चेंज कर दिया था, क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर में चले गए थे 9/11 के बाद।
अमेरिकन थ्रेट की वजह से। उसके बाद देखें अगस्त 2019 विटनेस्ड इंडिया एनेक्सिंग द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 2019 ने जो जम्मू एंड कश्मीर का जो अब इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसको जो है अब वो दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। देयर गोज इस्लामाबाद कश्मीर पॉलिसी इन 2021 द तालिबान टू कंट्रोल अफगानिस्तान। द फैक्ट दैट नो कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैज़ ऑफिशली रिकोगनाइज द गवर्नमेंट इन काबुल। अब ये सब जो आपने पीछे देखा है ये सब क्या बता रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बता रहा है आपको। उन्होंने बताया है कोल्ड वॉर का इरा बताया, उससे पहले आपको सीटो और सेंटो का एग्रीमेंट बताया, उससे उसके बाद आपको ये जो 1998 के ब्लास्ट हैं उसके बाद 9/11 का जिक्र किया गया, उसके बाद कश्मीर पे जो एनेक्सेशन हुई है इंडिया की तरफ से, और ना वो बता रहे हैं तालिबान का जो अफगानिस्तान का टेक ओवर है। तो इसमें ये भी मेंशन किया गया कि पाकिस्तान या दुनिया में कोई भी मुल्क ने ऑफिशियली तालिबान की गवर्नमेंट को जो है वो कबूल नहीं किया है। फॉर अ नंबर ऑफ रीजन डीलिंग विद इंडिया अफगानिस्तान एंड द यूएस हैव बीन द मेन फोकस फॉर पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी। अब बहुत सारी वजूहत है फॉर अ नंबर ऑफ रीजन हैं इसकी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को, अफगानिस्तान को और यूएस को कैसे डील करते हैं, पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी का मेन चैलेंज है। ठीक है, लुकिंग एट द प्रेजेंट जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल रीजनल सिचुएशन फोर फैक्टर्स नीड टू रियलाइज इफ एवर पाकिस्तान नीड टू ट्रेड एंड पाथ ऑफ रियलिटी। राइट, अब वो ये कह रहा है कि चार जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ना पाकिस्तान को, उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी फॉरन पॉलिसी को लेकर चलना है। राइट, अब ये जो आपको नीचे आप पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ये आपने एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी, आप इसके नोट्स बनाएं, आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप अपने जो आपका पेपर है उसकी हिस्ट्री में लिख सकते हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है। द डीलिंग विद इंडिया अफगानिस्तान चाइना एंड यूएस इज नॉट एन इमोशनल मैटर। अब ये चीज़ आपने समझनी है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पे बेस करती है, वो इमोशंस पे बेस करती है। चाइना को लेके हम समझते हैं कि चाइना हमारा जो है वो बहुत फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री है, उसके बाद जब हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो जाते हैं, फिर अफगानिस्तान को लेके भी, फिर यूएस को लेके भी हमारी पॉलिसी किस पे बेस करी है, इमोशंस पे बेस करती है। ठीक है, इट इज़ प्योरली एन ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी अंडरटेकन थ्रू रैशनल थिंकिंग। अब वो ये कहने कि आपको रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है, आपको इमोशनल नहीं रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है। द ड्राइविंग फोर्स वुड इनवेरिएबली बी द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड नॉट द सो कॉल्ड मंत्र ऑफ ब्रदरली रिलेशन। अब वो क्या कह रहा है कि आपका जो कंट्रीज़ के साथ फॉरेन पॉलिसी है ना वो नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप कहें कि हमारा जो ईरान है वो ब्रदरली कंट्री है, उस सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो आप देखें आगे वो यही एक्सप्लेन करेगा। आफ्टर लूजिंग अ ब्रदरली ईरान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई, नाउ हनी एंड हिमालयन रिलेशन विद चाइना पोजिंग सम डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। अब इस तरह वो कह रहे हैं जैसे अब थोड़े से बीच में गैप आया है ईरान के साथ रिलेशन में, उसके बाद सऊदी अरब के साथ, यूएई में, तो अब चाइना के साथ भी हम थोड़े डिस्टर्बिंग रिलेशन देख रहे हैं अपने। क्रिटिकली पोलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान इज नॉट द ओनली रीजन फॉर नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड फॉरन पॉलिसी, देयर इज मोर टू इट दैन मीट्स द आई। अब वो कह रहा है कि बहुत सारी रीजंस हैं, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और रीज़न हैं जो हमारे रिलेशन हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं है। राइट, अब सेकेंडली देखते हैं, पहले में आपने क्या देखा है, पहले में आपने देखा है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो इमोशंस पे बेस कर रही है, रैशनल थिंकिंग नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं, पाकिस्तान मस्ट रियलाइज दैट इट कैन नॉट मेंटेन रिलेशन विद द यूएस ऑन एन इक्वल फुटिंग। अब पाकिस्तान हमेशा, हमारे जो फॉर्मर पीएम है वो भी यही कहते रहे हैं कि हमें यूएस के साथ जो रिलेशन है ना वो इक्वल फुटिंग पे चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम रैशनल थिंकिंग से देखते हैं तो हम इक्वल फुटिंग पे यूएस के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकते। डीलिंग विद द सुपर पावर डिमांड्स एक्स्ट्रा केयर, विजन एंड विजडम। जब आप सुपर पावर के साथ डील कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर, विजन और विजडम की ज़रूरत होती है। फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त आपको तमाम एलिमेंट को देखना पड़ता है। द ड्रेडफुल एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान पाक पॉलिसी नीड टू बी अंडरस्टैंड इन इट्स ट्रू प्रोस्पेक्टिव। इस्लामाबाद इज मिस्टेकनली लुकिंग एट द यूएस एज एन इक्वल पार्टनर। यहाँ पे वो कह रहे हैं इस्लामाबाद जो के पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो यूएस को लेकर जो इक्वल पार्टनर के तौर पर चलाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ही एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिसटेकनली है। राइट, क्योंकि सुपर पावर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उसको डील करने के लिए विजडम होनी चाहिए।
और फिर एक और चीज़ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. वॉशिंगटन व्यूज पाकिस्तान एज अ साउथ एशियन स्मॉल कंट्री दैट नीड टू बी रेगुलरली रिमाइंडेड ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट विद इक्विटिंग इट विद अफगानिस्तान. तो वो कह रहे हैं कि यूएस सिर्फ एक पाकिस्तान को साउथ एशिया का एक छोटा सा कंट्री के तौर पर देखता है, जिसे वो डेली क्या कहता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, हैंस द मंत्र ऑफ डू मोर, वो जो कि हर दूसरे दिन हमें एक ही बात की जाती है कि डू मोर राइट. तो सस्टेन्ड सीरियस ऑनेस्ट मीनिंगफुल एंड रियलिटी बेस्ड डायलॉग सीम्स टू बी बेस्ट पॉसिबल वे फॉर मूविंग अहेड. अब यहाँ पे देखें, ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है. सस्टेन्ड सीरियस ऑनेस्ट मीनिंगफुल राइट रियलिटी बेस्ड डायलॉग और अप्रोच होनी चाहिए. थर्डली द टाइम हैज़ कम दैट इस्लामाबाद टुक अफगानिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट एंड सोवरन कंट्री, लेट दम डील विद देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज देमसेल्फ. अब यहाँ पे इस सब में यही डिस्कस किया गया कि अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट और सोवरन कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है. इफ अ 20 ईयर स्टे ऑफ वेस्टर्न पावर कुड नॉट सीन इवन सेम्बलेंस ऑफ द डिजायर्ड पीस इन अफगानिस्तान, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द काबुल्स ओन डेफिनेशन ऑफ पीस फॉर इट्स 40 मिलियन अफगानिस्तान Afghans. From the Taliban's diplomacy of cricket ground, they desire the world to realize that Afghanistan must be left of its own devices. डिवाइस. अब वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान को जो है ना वो उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर 20 साल का फॉरेन ऑक्यूपेशन जो है, सॉरी फॉरेन जो फोर्सेस भेजी गई थी उसको हैंडल करने के लिए, वो नहीं अगर उसमें पीस लगा सकी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप उसमें अब 20 साल और लेके उसको और फोर्स करके आप उसमें पीस लगा सकेंगे. तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और तालिबान को अपनी पीस की डेफिनेशन खुद डिफाइन करने दीजिए, तालिबान को खुद चलाने दीजिए अफगानिस्तान राइट. अब यहाँ पे देखें, डीलिंग With extremism and terrorism is in the context of Pakistan's own peace and stability should take precedence over any other consideration. वो कह रहे हैं कि आप तालिबान को पीस लाने दें, क्योंकि पीस जो है ना वो अपने ही पाकिस्तान के अपने हक में ही आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान भी पीसफुल होगा. अब फोर्थली देखें, द नॉर्मलाइजेशन रिलेशन विद इंडिया कुड नॉट बी अचीव्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, हिस्ट्री हैज प्रूव्ड इट टाइम टू टाइम अगेन. This is there is no need to underestimate and overestimate India. Correct estimation is required to understand the requirement of coexistence with any enemy. तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन नॉट चेंज योर जियोग्राफी नॉट द पी एम आफ्टर मोदी एक्सपेक्टेड टू रोल बैक न्यू डेलीज पॉलिसी टूवर्ड कश्मीर. इमोशनलिज्म मस्ट गिव अवे टू रियलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इमोशनलिज्म मस्ट गिव अवे टू द रियलिज्म राइट. तो इसमें इमोशंस पे आपकी पॉलिसी डिपेंड कर रही है रियलिज्म की बजाय. अब यहाँ पे आगे बताया गया कि रियलिज्म बेसिकली है क्या, गोन आर द डेज ऑफ क्रश इंडिया एंड मैडम नूर जहाँ मिलिंग सॉन्ग, के अब जो है ना वो नूर जहाँ के जो मिली नकमे हैं उससे आप इंडिया को क्रश करने से आगे आए. लेट अस एक्सेप्ट दैट ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिगर कंज्यूमर मार्केट एंड बेटर डिप्लोमेटिक मैनोवरिंग, इंडिया रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन. अब वो ये कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आप देखें, कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इमोशन से हटके रियलिज्म पे आना पड़ेगा, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो बहुत पीसफुल है, वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी, सॉरी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है राइट. सो अब देखते हैं, द क्वेश्चन इज इफ फ्रांस एंड जर्मनी कैन फॉर्म एंड रन द यूरोपीय यूनियन एंड देन टू आफ्टर हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ परपेचुअल एनिमोसिटी, व्हाई कांट द टू साउथ एशियन न्यूक्लियर पावर्स फॉलो सूट. अब जैसे कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्रांस और जर्मनी ने इस्टेब्लिश की थी और इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं, एक साउथ न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं, वो क्यों नहीं कुछ ऐसा सूट फॉलो कर सकती कि एक साउथ एशियन नेशन जो है वो इकट्ठे होकर कुछ ऐसा यूरोपीय यूनियन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल ट्रेड हो राइट. देन However, at least give to the idea of normalizing relation a serious try in doing so. Both New Delhi and Islamabad may examine if there is a possibility of having peaceful coexistence without mulling over terrorism and Kashmir. Out of box thinking. अब कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे SAARC एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ मेंशन किया गया है, SAARC का प्लेटफॉर्म जो है उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, लेकिन SAARC जो है वो बहुत इनफेक्टेड है, उसमें कोई भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हॉस्टाइल रिलेशन की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है राइट. तो इसी तरह कह रहा है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचे हैं कि कश्मीर और हम कश्मीर के लिए फाइट करते हैं और वो हम पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कुछ ऐसा सोचा जाए जो दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छा हो. Finally, it must be reiterated that the political and economically weak country cannot have a balanced, let alone a viable foreign policy. अब ये important line है कि एक
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीक कंट्री कैसे जो है वो बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी बना सकती है. इट गोज विदाउट सेइंग दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करनी है. नो मोर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन अब नहीं होने चाहिए कोई भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन. इट इज़ टाइम टू गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, रिफ्रेश ओवर मेमोरी, क्लियर ओवर मिसकॉन्सेप्शंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर. अब दोबारा से एक बार रिवाइज करें सब चीज़ें कि आपका क्लियर विजन होना चाहिए चीज़ों को लेकर. जो आपके मिसकॉन्सेप्शन है यूएस को लेकर, इंडिया को लेकर, चाइना को लेकर, वो सब आप रीफ्रेस करें, उनको दोबारा अपने गोल्स जो हैं उनको सेट करें. रिमेंबर द वर्ल्ड नेवर लिसन टू व्हाट इट डजंट वांट टू लिसन टू. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, राइट. तो वो ये कह रहा है कि आपकी बात दुनिया नहीं सुनेगी, जो वो बात नहीं सुनना चाहती. तो आप जितना मर्जी बोलते रहें, जैसे अब कश्मीर का जो इशू है वो हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिक फॉर्म्स है, यूनाइटेड नेशन है, जितने भी इंटरनेशनल फोरम है, वो इस पर अटेंशन ही नहीं देते. पॉलिटिकल मेजर्स नीड टू बी इनविजन्ड एंड इनिशिएटेड. अब जो आपको करना है ना मुल्क की इकोनॉमी को लेकर, वो आपने रिवाइज करना है. अपने जो पॉलिटिक्स है कंट्री को लेकर, उसको आपने स्ट्रेंथन करना है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को. जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, कोई भी इशू आपका नहीं सुना जाएगा, राइट. जो चाहे वो आपका स्टांस हो फलस्तीन को लेकर, चाहे वो कश्मीर को लेकर, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आपका कोई से होगा, तब जाके आपकी जितने भी वर्ल्ड फोरम है उन पर आपकी बात सुनी जाएगी. तो इसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें, अपने रजिस्टर में नोट करें, उनके पॉइंट्स बनाएं और ट्राई करें एक आर्टिकल इसी तरह का लिखने का पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को लेकर. हम एक और आर्टिकल पे वीडियो बनाएंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.